वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब। अगेन आई एम विद अ न्यू सेट, प्रैक्टिस सेट 9, विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर, वोकैब एंड अ नंबर ऑफ थिंग्स। लेट्स बिगिन प्रैक्टिस सेट 9। यानी इसके पहले आपको 8 सेट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाए, वहां अलग अलग हैं, सारे सेट्स तैयार करें। जो बच्चे नए हैं वो पहले सेट से तैयार करें, 20 नहीं तैयार करें, वो पहले सेट से तैयार करें, सारे सेट्स तैयार करते जाएं और आगे आपके एग्जाम्स में बहुत आपका लाभ होगा। जो बच्चे एमबी का साल करना चाहते हैं वो एमबी के सेट्स भी, 14 सेट्स तक मैंने वहां बनाए हैं, वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कहीं से कुछ भी मिले, आपका टारगेट सफल होना है, तो इसलिए कहीं से कोई भी चीज हो, अगर वो आपके हेल्प कर रही है तो आप उसको यूज करें, यूटिलाइज में ले आए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नवा सेट आज का, जो और अधिक उपयोगी होगा और बेहतर साबित होगा आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, लेट्स बिगिन। दिस इज कॉमन एरर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हैड आई कम टू नो अबाउट हिज डिफिकल्टीज I would have certainly helped. क्या गलत है इसमें? This is the question. Had I come to know, यदि मुझे पता चल गया होता about his difficulties, उसकी कठिनाइयों के बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में, तो I would have certainly helped. तो निश्चित ही मैंने उसकी मदद कर दी होती। क्या है, कोई एरर है या नो एरर है आपके लिए? हैड आई कम टू नो, बच्चे जो पढ़े होंगे कंडीशनल सेंटेंस समझते होंगे, इसका सेंस है इफ आई हैड कम टू नो, ये कोई एरर नहीं होना चाहिए आपका। अबाउट हिज डिफिकल्टीज, यहां पे भी एरर नहीं, अबाउट हिज डिफिकल्टीज सही है आपका। आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड, यहां कोई एरर है क्या इस पोर्शन में? I would have certainly helped. अगर आपको लगता है I would have certainly, certainly की पोजीशन गलत है, तो ऐसा नहीं, सही है। I would have certainly helped. Would have के बाद certainly और main verb के पहले आपका certainly है। तो गलत कहां पे हो रहा है, कौन सा पोर्शन है आपका जो गलत हो रहा है? यही पोर्शन है, ये जो आपका थर्ड पोर्शन है, I would have certainly helped. I would have certainly helped. अभी जो helped आपका है, ये कह रहा है कि मैं क्लियर नहीं हूं कि मैंने उसकी मदद की होती या उसके किसी कार्य में मदद की होती। तो जब भी अभी आपने क्वेश्चन किया था embrace वाला, वो अपनी माँ से मिलता और embrace कर लेता है, किसे? अपनी माँ को ना। तो फिर कहीं कहीं आपको इस help का object आपको लेना पड़ेगा, किसकी help कर देता वो? उसके जिसकी वो बात कर रहा है। तो यहां पे आपको एक शब्द लेना होगा, वो शब्द है हिम, यानी हिम आपका यूज करना होगा आपको। तो यहां जो रियल आंसर हो जाएगा वो जाएगा हैड आई कम टू नो, यदि मुझे पता चल गया होता अबाउट हिज डिफिकल्टीज, उसकी समस्याओं के बारे में, आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड हिम, यानी हिम आपको जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इसका अर्थ जो है, मीनिंग जो है, वो कहीं कहीं हाफ रहेगी, अधूरी रहेगी, पूरी नहीं रहेगी आप, क्योंकि अनक्लियर ना रखें, क्लियर कर लें आप, तो हेल्प हिम ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन एरर नंबर 2, राहुल वाज इन नीड ऑफ मनी, राहुल को कुछ पैसों की आवश्यकता थी, एंड सोल्ड आउट हिज गोल्ड मेडल, उसने अपना गोल्ड मेडल ही बेच डाला फॉर 100 rupees टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी 100 rupees के लिए उसने अपने मित्रों में से एक को अपना गोल्ड मेडल बेच दिया। क्या गलत है? राहुल वॉज इन नीड ऑफ मनी, यहां कोई एरर है, या एंड सोल्ड आउट हिज गोल्ड मेडल, यहां एरर है, या फॉर 100 rupees यहां पे एरर है,
या टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, यहां पे एरर। और इनमें से अगर किसी में एरर नहीं है तो हो सकता है नो एरर हो आपके पास। क्या एरर हो लग रहा है? कौन सा पोर्शन है इन विच यू फाइंड एन एरर? कहां पे एरर है आपको? समझ में आ रहा है कुछ आपको? आ रहा है समझ में? कम आ रहा होगा आपको। क्यों? क्योंकि इस लेवल पे आप नहीं करते हैं, जहां पे हमें सुपरफ्लुअस वर्ड्स दे दे जाते हो और हम ये पहचान ना पाते हो कि वो सुपरफ्लुअस है या नहीं है। राहुल वाज इन नीड ऑफ मनी, राहुल को पैसों की आवश्यकता थी, यहां पे तो कोई एरर नहीं। एंड सोल्ड आउट हिज गोल्ड मेडल, उसने अपने मेडल गोल्ड मेडल को क्या कर दिया? बेच दिया ना। बेचने की मीनिंग क्या होती है? सेल होती है या सेल आउट होती है? सेल आउट क्या होता है? जब आप कहीं वो जैसे पता ना ब्लैक में आप टिकट्स वगैरह खरीदते हैं, वहां पे सेल आउट का प्रयोग करते हैं। उसने अपने गोल्ड मेडल को बेच दिया। देयर इज नो नीड टू यूज एक्स्ट्रा आउट, यू विल हैव टू यूज राहुल वाज इन नीड ऑफ मनी एंड सोल्ड, नो नीड ऑफ आउट एंड सोल्ड हिज गोल्ड मेडल हो जाएगा। यानी बी पोर्शन में आप कह रहे हैं वहां आउट की कोई आवश्यकता नहीं। ओके, समझते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस फिलर का है आपके पास। द सिक्योरिटी फोर्सेस फायर्ड एट द डैश हु वाज आर्म्ड टू द डैश। दो दो फिलर्स हैं आपके इसमें। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने डकैत यानी डकैत पे फायर किया, गोली चलाई। हु वाज आर्म टू द टीथ, जो दांतों तक हथियार से लैस था। या द सिक्योरिटी फोर्सेस फायर एट द थीफ, या सिक्योरिटी फोर्सेस ने चोर पर गोली चलाई। हु वाज आर्म टू द हेड, जो सिर तक लैस था। या द सिक्योरिटी फोर्सेस फायर एट द कल्प्रिट, उसने उस दोषी उस अपराधी पर गोली चलाई। हु वाज आर्म्ड टू द नेल, ये जो नाखूनों तक था। या द सिक्योरिटी फोर्सेस फायर एट द क्रिमिनल, फायर एट द क्रिमिनल हु वाज आर्म्ड टू द चो, जो सिर से नख तक भरा हुआ था, हथियारबंद था। क्या फिट बैठ रहा है? आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे आप, तो आप समझ जाएंगे कि डकैत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं लाया, उन पे पुलिस जो है वो गोली चलाती है। और जो आपका इडियम है वो आर्म टू द टीथ नहीं होता है, वो इडियम आर्म टू द नेल नहीं होता है, वो इडियम आर्म टू द हेड नहीं होता है, वो इडियम होता है आर्म टू द टो, यानी पूरा लैस होना हथियारों से। ये टो भी बता रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस गोली किस पर चलाएंगे? क्रिमिनल पर चलाएंगे। क्या थीफ पे चलाएंगे? क्या कल्पिट, कल्पिट में छोटा अपराधी छोटा दोषी होता है, क्या उस पर चलाएंगे? डकैत पे चला सकते, लेकिन टीथ नहीं कंबाइंड है आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो रहेगा द सिक्योरिटी फोर्सेस फायर एट द क्रिमिनल, यानी उसने उस उन्होंने उस अपराधी पर गोली चलाई हु वाज आर्म्ड टू द टो, जो सिर से नख तक अर्थात पूरी तरह से हथियार बंद था। ठीक है, ये इस तरह का लेवल बनाए अपना, यानी आपका जो आंसर है वो ये हो जाए डी पोर्श। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने सेंटेंस फिलर का। हिटलर कास्ट अ डैश एंड डैश शैडो अपान वर्ल्ड हिस्ट्री। हिटलर ने विश्व के इतिहास पर पोल्यूशन एंड फ्राइटफुल शैडो यानी परछाई डाली या प्रभाव डाला। कास्ट अ शैडो में इस प्रभाव डालना होता है। हिटलर ने हर्क्यूलियन एंड ग्लोमी शैडो डाला विश्व के इतिहास पर। हिटलर ने जाइगेंटिक और होरिफाइंग शैडो डाला। जाइगेंटिक मीन्स विशाल भीमकाय। हिटलर ने यूज एंड वास्ट शैडो अपॉन वर्ल्ड हिस्ट्री डाला। यूज और वास्ट तो एक ही होते हैं, तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि
कि डी ऑप्शन आपको सोचना चाहिए। इन तीन को देखते हैं, हरक्यूलियन भी नहीं हिट बैठेगा। सोच देखें, हिटलर कॉस्ट ऑफ हरक्यूलियन एंड ग्लूमी शैडो। हरक्यूलियन और ग्लूमी का कोई रिलेशन ही नहीं है। हरक्यूलियन क्या होता है? जो हार्ड वर्क को शो करता है, हरक्यूलिस यानी जो ऐसा प्रयास जो बहुत कठिन होता हो वह प्रयास हरक्यूलियन टास्क कहलाता है ना। एक ऐसा कार्य जिसमें बहुत अधिक कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती वो हरक्यूलियन टास्क होता है। उसका ग्लूमी से क्या मतलब है? ग्लूमी मीन्स होता है उदास, अंधेरे से भरा हुआ। इसका रिलेशन नहीं बैठे, इसलिए ये सी हटा दे। तो हमने सी हटा दिया और डी हटा दिया। दो में से चूज करना हमको कि वो हिटलर ने कोलोशन और फ्राइटफुल प्रभाव डाला या हिटलर ने जाइगेंटिक और होरिफाइंग प्रभाव डाला। दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन आपको एक माइन्यूट डिफरेंस वर्ड्स के बीच समझना होगा। कोलोशन और जाइगेंटिक दोनों समान ही कहे, दोनों विशालकाय, हीनकाय के सेंस में। जो चीज बहुत विशाल हो, बहुत चौड़ी हो, वो कोलोशल या जाइगेंटिक होता है। ठीक है, जैसे कोई टावर वगैरह है, बहुत बड़ा है, बहुत चौड़ाई लिए हुए, तो वो आपका जाइगेंटिक या कोलोशल हो जाएगा। या अगर वो केवल लंबाई लिए हुए, चौड़ाई नहीं है, तो वो लॉफ्टी हो जाए। ठीक है, अंतर यहां है, ये फ्राइटफुल और होरिफाइंग। फ्राइटफुल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने आ गया और उस व्यक्ति को आपने देखा और उस व्यक्ति को देख करके आप डर गए, तो फिर वो उस व्यक्ति का चेहरा या वो व्यक्ति फ्राइटफुल होगा। लेकिन कोई ऐसा प्रभाव जो बहुत अधिक लोगों पर पड़ रहा हो, वो प्रभाव फ्राइटफुल नहीं होगा, हॉरिबल होगा या हॉरिफाइंग होगा। बस इस अंतर की वजह से उन्होंने आंसर जो चुना वो ए नहीं चुना, बी आंसर चुना। यानी चूंकि यहां ये शैडो मतलब यहां पे प्रभाव की बात, कास्ट शैडो में प्रभाव डालना, प्रभाव के सेंस में जाइगेंटिक और होरिफाइंग सही होगा, न कि कोलोशल और फ्राइटफुल। ये जो कोलोशल और जाइगेंटिक इनमें बहुत अंतर नहीं है, बट यहां पे माइनर डिफरेंस है। फ्राइटफुल में जो भय उत्पन्न करता हो, अर्थात जिसे देख करके आपको डर लगता हो, होरिफाइंग जो व्यापक, तो इसका व्यापक सेंस में प्रयोग है ना। हिटलर तो विश्व इतिहास की धरोहर की बात कर रहे हैं, इसलिए हिटलर कास्ट ऑफ जाइगेंटिक एंड होरिफाइंग शैडो अपॉन वर्ल्ड हिस्ट्री। ये जो बी ऑप्शन आपका है, ये ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन बेस्ट यहां पे है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन, द ऑफिसर किक्ड अप अ रो ओवर द एसो। आना चाहिए आपको इडियम्स वगैरह, तो आपको अपनी वर्क पावर को अपनी ताकत बना लेनी चाहिए। जो एमबी की किताब है आप उसे ले लें, और जितने भी उसमें वन वर्ड्स दिए गए हैं, इडियम्स दिए गए हैं, फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं, ये सारी चीजें धीरे धीरे क्या करते जाएं, तैयार करते जाएं। और अगर आपको लगता है आप रट करके तैयार कर सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप डिस्कशन करें, लोगों से पूछें, जो आपके पार्टनर्स हो उनसे डिस्कशन करें, तो धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। अपनी लाइफ में यूज करें। जैसे अभी आपने जाइगेंटिक आपने देखा, तो आपने कहा यार ये चीज तो बहुत जाइगेंटिक है, बहुत कोलोशल है, तो याद हो जाए, रट के नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो द ऑफिसर किक्ड अप अ रो। किक अप अ रो मीन्स होता है किसी चीज को बात का बतंगर बना देना, है ना। टू मेक अ हिल ऑफ अ मोल होता, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, यानी छोटी सी पहाड़ी को बड़ा पहाड़ बनाकर प्रस्तुत कर देना, मीन्स बात का बतंगर बना देना, मीन्स तेल का तार बना देना और राई का पहाड़ बना देना। तो किक्ड अप अ रो मीन्स बात का बतंगर बनाना। अवॉइडेड द इश्यू, क्या है नहीं है। गिव स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, नहीं है। गिव अ किक इन द एयर, हवा में लात मारना, नहीं है। क्या है? मेड अ ग्रेट फस। जब आप किसी को बतंगर बना देते हो, झूठे ईसू बना देते हो, तो फिर वो किक अप अ रो होता है। तो द ऑफिसर किक्ड अप अ रो ओवर द ईसू, यानी उस मुद्दे को उसने बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर दिया, झूठे बतंगड़ बना दिया, इशू बना दिया। तो किक्ड अप अ रो का हो जाएगा मेक अ ग्रेट फस, किसी चीज का बतंगड़ बना देना, झूठे मुद्दा बना देना। दिस इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट। द इनडिसाइसिव मैन वॉज रेडली परसुएटेड टू चेंज हिज माइंड अगेन। The indecisive man was readily persuaded to
चेंज हिज माइंड अवे. ही वॉज रेडली परसुएडेड के स्थान पे क्या है, वॉज परसुएडेड रेडी, या वॉज रेडी टू परसुएड, या वॉज रेडी परसुएडेड, या नो इम्प्रूवमेंट. क्या ए सोच सकते हैं, वॉज परसुएडेड रेडी, कभी नहीं हुआ. रेडी तो एडजेक्टिव आपका है, तो परसुएडेड वर्ब है आपकी, इनका मैटर खत्म कर. Was ready to persuade. अब वो indecisive man was ready to persuade तो नहीं, उसे नहीं मनाना था, उसको मनाना था. तो B option का structure में इसका sense उल्टा हो जाएगा. Was ready persuaded. फिर वही बात आएगी, persuaded आपकी verb है, तो उसके पहले ready adjective कैसे आएगा. यानी A भी गलत, B भी गलत, C भी गलत, लेकिन D तो नहीं गलत है ना, D तो सही है आपका. Means no improvement हो जाएगा, ये भी जाएगा ना. तो the indecisive man was readily persuaded, already सही है. ये आपका verb है, तो इसके पहले आपने क्या ले लिया, adverb readily persuaded. अगर आपके मन में आ रहा हो कि सर was persuaded readily क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने पढ़ा है जब verb के बाद कोई या ऑब्जेक्ट के बाद कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज है ना, टू चेंज हिज माइंड अगेन, ये पूरा फ्रेज है आपकी, तो आप एडवर्ब को कहां कर दीजिए, वर्ब के पहले, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद. देखें यहां पे, द इनडिसाइसिव मैन वाज हेल्पिंग वर्ब रेडली परसुएडेड, और ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, तो पैसिव स्ट्रक्चर वैसे भी एडवर्ब वर्ब के कहां जाएगा, पहले आ जाएगा. ओके, तो नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा यहां पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है. द हाउसेस इन आवर स्ट्रीट आर मोर ब्यूटिफुल देन ऑन द मेन रोड. ये तो आपको आना ही चाहिए. जो बच्चे सेजियल सेचुअल या इस लेवल पे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों को ये जरूर आना चाहिए. द हाउसेस इन आवर स्ट्रीट, हमारे स्ट्रीट में जो हाउसेस हैं आर मोर ब्यूटिफुल, वो ज्यादा अच्छे हैं देन ऑन द मेन रोड. किसकी अपेक्षा, मेन रोड की अपेक्षा. समझ रहे हैं, आपके हाउसेस मेन रोड की अपेक्षा नहीं अच्छे हैं, आपके हाउसेस मेन रोड के घरों की अपेक्षा अधिक सुंदर है. तो आपका स्ट्रक्चर याद होगा आपको, जैसे आप कहना हो द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन आगरा, गलत है ना. क्या होना चाहिए था, द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन द रोड्स ऑफ आगरा, यही ना. लेकिन चूंकि दोबारा आप द रोड्स ले रहे हैं, तो उनके स्थान पे क्या ले लें, दोज ले लें. तो यहां वास्तव में क्या होना चाहिए था, द हाउसेस इन आवर स्ट्रीट, यानी जो स्ट्रीट में हाउसेस हैं आर मोर ब्यूटिफुल, वो ज्यादा अच्छे हैं देन द हाउसेस, होगा ना, देन द हाउसेस ऑन द मेन रोड. तो देन द हाउसेस, द हाउसेस यहां भी है, और द हाउसेस दोबारा ले रहे हैं आप, तो उसके स्थान पर प्रोनाउन ले लें, दोज हो जाएगा. हो जाएगा The houses in our street are more beautiful than those on the main road. देख लेंगे, मिल जाएगा आपको. यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन. कुछ बच्चों को लगा होगा नहीं सही है, कोई गलती नहीं, बट अगर आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो वहां ये रोल आपको पता होगा, याद होगा आपको. ज्यादातर बच्चों को याद ही है, तो कर लेंगे आप. चलिए आठवां क्वेश्चन हमारे सामने, सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, देख लें. इनॉग्रेटिंग द भारत भवन, ने भारत भवन का शुभारंभ करते हुए द देन प्राइम मिनिस्टर, याद के लिए काम आएगा द देन प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर तत्कालीन प्रधानमंत्री, द एक्चुअली द प्राइम मिनिस्टर हो गए प्रधानमंत्री, और देन उस समय की, तो द देन प्राइम मिनिस्टर यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी सेड, यानी उन्होंने कहा दैट की इन ऑल स्टेट्स सो दैट द क्रिएटिव फैकल्टीज ऑफ द पीपल इन भोपाल ऑन फेब्रुवरी 13, 1982. समझ आ रहा है, इन भोपाल ऑन फेब्रुवरी 13, 1892. अब या तो ये हो सकता है सेट दैट के बाद तो वैसे भी आर नहीं आएगा, ये भोपाल और फरवरी 13 किसके लिए है,
जो उन्होंने भारत भवन का क्या किया होगा, उद्घाटन किया होगा। चलिए और बढ़ते हैं। इट हैड बीन हर लॉन्ग चेरिश्ड डिजायर, ये उनकी लंबे समय से मन में पलती फलती फूलती इच्छा थी टू सी सच भवंश भवन। ये तो क्लियर है, अगर आपको सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब स्ट्रक्चर आपका तैयार हो, तो स्ट्रक्चर जो है पी और एस एक दूसरे के साथ रहेंगे ना, यानी पी के बाद ही ऐसा आएगा। क्यों? क्योंकि द देन प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी सेड दैट, दैट के बाद आपको क्लास लेनी है, वो क्लास इन ऑल स्टेट्स सो दैट ये सब नहीं है, इन भोपाल ऑन फेब्रुवरी नहीं है, ये है इट हैड बीन, है ना, और ये भी नहीं है कुड फाइंड, यानी जब भी आएगा पी के बाद ऐसा आएगा। चलिए देखते हैं, पी के बाद एस नहीं, पी एस है, पी के बाद एस नहीं और पी के बाद एस नहीं, हो गया आपका आंसर। लेकिन वैसे भी आप समझ सकते थे कि इनॉग्रेटिंग द भारत भवन, ने भारत भवन का उद्घाटन करते हुए कौन सा इसके बाद सेट आएगा, जब भी आएगा आर आएगा। कहां पे उद्घाटन करते हुए, इन भोपाल, कब करते हुए, 13 फरवरी को, तो आर भी क्लू है कि पहले के बाद आर आएगा और पी के बाद एस आएगा, ये भी क्लू आपका है, तो जब भी आएगा क्या हो जाएगा, ये आर सबसे पहले फिर आर पी एस क्यू, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह जोड़ेंगे धीरे धीरे तो आपको कहीं कहीं सेंटेंस अरेंजमेंट में पहले से आप अच्छा फील कर रहे होंगे, आगे और अच्छा फील करेंगे, ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। दो ही लेवल है, एक सेंटेंस को आपस में जोड़ना सीखें और दूसरा कनेक्शन मैच, यानी कनेक्ट करना सीखें, एक घटना के बाद दूसरी घटना फिर तीसरी, जो आगे मैंने आज दिया हुआ है दिखाइएगा कैसे आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडियम्स एंड फ्रेज का कर लेंगे आप। दे वर फोर्स्ड टू लिव फास्ट, आना चाहिए आपको इस लेवल पे आप, ठीक है। तो टू लिव फास्ट का क्या हो, टू यूज अप वंस इनकम एज फास्ट एज इट कम्स इन, यहां कम्स होगा, एज इट कम्स इन, जैसे आपके पास पैसा है आपने खत्म कर दिया, ये होगा। टू अकॉम्प्लिश अ पर्पस, किसी उद्देश्य को पूरा करना होता है लिव फास्ट में। टू लीड अ लाइफ ऑफ डिसिपेशन, या बहुत मतलब कठिन जीवन, कठिन गुजारा करना, अर्थात ठीक से गुजारा न होना होता है, असंतुष्टि का जीवन, डिससेटिस्फैक्शन का होता है। या टू ऑब्जर्व फास्ट ऑन हॉलीडे, या किसी पवित्र दिन ऑब्जर्व फास्ट करना, मीन्स व्रत रखना होता है, याद है आपको। टू लिव फास्ट मीन्स होता है टू लीड अ लाइफ ऑफ डिसिपेशन, यानी असंतुष्टि का, भूखमरी का जीवन जीना, जब आपके पास ठीक से खाने के लिए पीने के लिए ना हो तो यू आर लिविंग फास्ट। भाई व्रत ही तो रहेंगे, जब रहेगा नहीं तो क्या करेंगे। तो टू लिव फास्ट मीन्स टू लीड अ लाइफ ऑफ डिसिपेशन, मीन्स असंतुष्टि का जीवन जीना, बहुत जब आपके पास संसाधन नहीं होते हैं तो यू विल हैव टू लिव फास्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मेंटल वेरीनेस फॉर वांट ऑफ ऑक्यूपेशन, अगर आप अच्छे होंगे तो बता लेंगे आपने क्या होगा, फटीग होगा, एनोई होगा, लैंग्वर होगा या डेबिलिटी होगा, सोच के देखें आप क्या सही होगा इसमें। मेंटल वेरीनेस, मानसिक थकान हो जाना, फॉर वांट ऑफ ऑक्यूपेशन, जब आपके पास कुछ करने को ही ना हो या जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट ही ना हो, तो आप यदि आपके पास कुछ करने को ना हो, कोई एक्साइटमेंट ना हो, तो क्या फटीग होंगे क्या, नहीं होंगे। फटीग क्या होता है, जब आप थक जाते हैं, कार्य करते करते थक जाते हैं तो आप फटीग्ड हो जाते हैं। लैंग्वर होगा क्या, लैंग्वर क्या होता है, जैसे आप कार्य करते करते आपकी मांसपेशियां भर जाएं, शरीर आपका बिल्कुल शिथिल पड़ जाए, तो ये लैंग्वर, लैंग्वर मीन्स शिथिलता होती है, जैसे आपने कोई हार्ड वर्क किया है, शारीरिक श्रम किया है और आपको बिल्कुल नींद आ रही, आप शिथिल पड़ जा रहे हैं, तो यू आर जस्ट इन द केस ऑफ, इन द पोजिशन आर कंडीशन ऑफ लैंग्वर। डेबिलिटी क्या होती है, याद करिए, डेबिलिटेट कर देना, डेबिलिटेट मीन्स कमजोर कर देना होता है, तो डेबिलिटी क्या हो जाएगी, नाउन है कमजोरी, यानी ये जो फटीग है, लैंग्वर है और डेबिलिटी है, ये तीनों करीब करीब एक ही चीज, लेकिन एनुई ऐसा नहीं। एनुई क्या होता है, आप घर पे पड़े हुए हैं, आपको कोई काम धाम ही नहीं, बस बेकार पड़े हुए हैं, तो वांट ऑफ ऑक्यूपेशन,
यानी कुछ करने को ही ना हो आपके पास, उसकी कमी हो, तो आप एनवी के शिकार हो जाएंगे। यानी ये भी एक प्रकार से कहते हैं ना, वो नीरस भरा जीवन जो होता है, जिसमें कोई कार्य करने को ना हो, वह एनवी होता है। अर्थात मेंटल वेरिनेस, वो थकान जो इसलिए आ रही क्योंकि आपके पास कार्य ही करने को नहीं है, वो थकान क्या है? एनवी है। फटीग या लैंग्वर क्या है? कार्य करने के बाद थकान आती है। और डेबिलिटी क्या है? कमजोरी है। तो आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा एनवी, जो मानसिक थकान है। जब आपके पास कोई कार्य करने के लिए ना हो, जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट ना हो, मीन्स यू आर लैकिंग इन एक्साइटमेंट इन योर लाइफ, तो यू आर सफरिंग फ्रॉम एनवी। ओके, चलिए हम आ गए हैं 11वें क्वेश्चन पे। हम आ गए, ये है आपको सामने आपके 11वां क्वेश्चन, एक मिनट बस। ये आपके सामने 11, 12 और 13 क्लोज टेस्ट के रूप में देख ले आप क्या कर सकते हैं आप, और बढ़िया पैसे से अच्छा लगेगा आपको। मोस्ट ऑफ अस बिलीव दैट पीस ऑफ माइंड कम्स, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पीस ऑफ माइंड कम्स, यानी मानसिक शांति प्राप्त होती है फ्रॉम एडिक्वेट, यानी पर्याप्त डैश इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। कहां पर? यानी एक ऐसे संसार में जो संसार उनके लिए क्या हो, एक्सटर्नल वर्ल्ड में बाहरी संसार हो। डिस्पाइट वॉट स्पिरिचुअल टीचर्स टेलर्स, इसके बावजूद जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हमें बताते हैं, वी नर्स अ कंटिन्यू डैश अबाउट द फ्यूचर, यानी भविष्य के बारे में, एंड टूअर्ड्स दोज, और उन लोगों के बारे में हुम वी परसीव एज ऑब्स्ट्रक्टिंग आवर वे, जिन्हें हम समझते हैं कि वो हमारे रास्ते की बाधा है, यानी बाधा क्रिएट करें, उनके बारे में वी नर्स अ कंटिन्यू डैश, हम एक निरंतर बना लेते हैं। द भगवत गीता पॉइंट्स आउट, यानी भगवत गीता ये बताती है दैट की वन हैज द राइट, कि एक व्यक्ति के पास अधिकार है टू डैश बट नॉट टू देयर आउटकम, लेकिन उस व्यक्ति के पास उसके परिणाम का अधिकार नहीं। क्रिश्चियनिटी सम्स इट एज, क्रिश्चियनिटी यानी जो ईसाई धर्म है वो इसे ऐसे समराइज करता है, सम पता है ना, समराइज को शॉर्ट में, यानी क्रिश्चियनिटी जो है वो इसे ऐसे समराइज करता है, दाई दाई ईश्वर के लिए, दाई विल बी डन, यानी आपकी इच्छा ही पूरी होगी। एंड इन इस्लाम, और इस्लाम धर्म में क्या होता है, इंशाल्लाह, आपने अक्सर सुना होगा बच्चे बोलते हैं इंशाल्लाह, मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं बोलते हैं इंशाल्लाह ऐसा ही हो, यानी ईश्वर करे ऐसा ही हो, और वही चीज है, या गॉड विलिंग यानी ईश्वर की इच्छा ऐसे, रिफर्स टू अ ग्रेटर पावर, और ये चीज बताती है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें क्या करती है, गवर्न करती है। चलिए शुरू करते हैं। तो मोस्ट ऑफ अस बिलीव, हमें से बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं दैट की पीस ऑफ माइंड कम्स, कि जो मानसिक शांति है वो प्राप्त होती है फ्रॉम एडिक्वेट, बहुत अधिक किस चीज से प्राप्त होती है, मिसफॉर्च्यून से, ये नेगेटिव और पॉजिटिव छाटना शुरू कर दिए धीरे धीरे आप, तो मिसफॉर्च्यून से मानसिक शांति तो कभी प्राप्त नहीं है, अचीवमेंट से हो सकती है, डिस्टर्बेंस से कभी मानसिक शांति प्राप्त होती है क्या? कभी आप सोए रहते होंगे और कोई आपको जगा देता और डिस्टर्ब करता होगा तो अच्छी खासी मानसिक शांति प्राप्त होती होगी ना? बिल्कुल नहीं, तो ये भी एलिमिनेट कर देते हैं। फेलियर से, फेलियर कभी आपको मानसिक शांति देगा? हो गया आंसर, सोच के देखें। तो मोस्ट ऑफ अस बिलीव दैट पीस ऑफ माइंड कम्स फ्रॉम एडिक्वेट अचीवमेंट्स, यानी हमें से अधिकतर लोग मानते हैं कि हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है अचीवमेंट्स के द्वारा इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, इस बाहरी संसार में। डिस्पाइट, इसके बावजूद, व्हाट स्पिरिचुअल टीचर्स टेल अस, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हमें बताते हैं, यानी जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हमें बताते हैं, उसके बावजूद हमें मानते हैं कि इस संसार में हमें मानसिक शांति कैसे प्राप्त होती है,
अचीवमेंट से, हमारी उपलब्धियों से प्राप्त होते हैं। वी नर्स अ कंटिन्यू, नर्स मीन्स धारणा बना लेना, किसी चीज के बारे में विचार करना, कंसेंट्रेट करना, सोचना। वैसे नर्स तो आप बाकी जानते ही हैं, तो वी नर्स, वैसे नर्स मीन्स हेल्प करना भी होता है, किसी की मदद करना भी होता है वर्ब के रूप में। तो वी नर्स अ कंटिन्यू डैश, हम एक निरंतर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इज कभी नहीं होगा, हम एक निरंतर बना लेते हैं। परसेप्शन, परसेप्शन मीन्स धारणा होता है ना, अपना एक अनुभव। तो हम एक निरंतर परसेप्शन बना लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे, हम एक बना लेते हैं क्या? एप्रिहेंशन, आशंका, डर। हम एक निरंतर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? ट्रस्ट। ठीक है, क्या सही होगा ये कब तय कर पाएंगे? जब आप पूरी लाइन पढ़ लेंगे तब। तो वी नर्स अ कंटिन्यू डैश अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में, एंड टूवर्ड्स दोज, और उनके बारे में whom we perceive as obstructing our way, यानी जो लोग हमारे रास्ते में बाधा क्रिएट करते हैं, जो लोग हमारे रास्ते में बाधा क्रिएट करते हैं उनके बारे में एज तो हम नहीं फील करेंगे, उनके बारे में हम परसेप्शन यानी कोई मतलब अनुभव तो नहीं करेंगे, उनके बारे में हमारे मन में क्या उत्पन्न हो जाएगा? याद करें, apprehension, उनको लेकर हमारे मन में हमेशा डर रहेगा, आशंका रहेगी। किनको लेकर के? फ्यूचर, अपने भविष्य को लेकर के, और उन लोगों को लेकर के जो हमारे रास्ते में कहेंगे रुकावटें क्रिएट करते हो, तो उनको लेकर के न तो हमारे मन में ट्रस्ट होगा, न ही हम इस तरह परसेप्शन, नॉर्मल वर्ड है, और न ही एज होगा, हमें क्या अनुभव होगा? एप्रिहेंशन, आशंका, डर अनुभव होगा। देख रहे होंगे पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, लेकिन नेगेटिव यहां है, नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड, लेकिन पॉजिटिव यहां है। ऐसे समझें धीरे धीरे, जितनी बढ़िया हिंदी बनाएंगे आप बना लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। द भगवत गीता पॉइंट्स आउट, यानी भगवत गीता हमें बताती है दैट कि वन हैज द राइट टू, कि एक व्यक्ति के पास अधिकार है, बट नॉट टू देयर आउटकम, लेकिन उसके परिणाम का अधिकार नहीं। कर लेंगे आप। तो भगवत गीता पॉइंट्स आउट दैट वन हैज द राइट टू एक्शंस, यानी आपको कर्म करने का अधिकार है। वन हैज द राइट टू परफेक्शन, आपको पूर्णता प्राप्त करने का अधिकार है। वन हैज द राइट टू ऑपरेशन, आपको ऑपरेशन करने का अधिकार है। बिल्कुल है ना, चीर फाड़ कर दीजिए बिल्कुल। वन हैज द राइट टू इन एक्शन, यानी आप कोई कार्य ही ना करें, ऐसे निर्भल पड़े रहे आप। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, आपके पास अधिकार है किस चीज का? एक्शन का, कार्य करने का, बट नॉट टू देयर आउटकम, लेकिन उसके परिणाम का आपको अधिकार नहीं है। जैसे मैं कहता हूं ना, आप किसी प्राइमरी वर्ड में प्रीफिक्स देखकर उसका अर्थ समझ सकते हैं, आप किसी प्राइमरी वर्ड में सफिक्स देखकर उसका अर्थ समझ सकते हैं, उसका पार्श्व अफिक्स भी समझ सकते हैं, लेकिन आप अपने से किसी शब्द का निर्माण नहीं कर सकते। ऐसे यहां पे भी कि आप कर्म करने के अधिकारी हैं, आप राइट है कर्म करें आप, लेकिन उस कर्म का परिणाम आप तय नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी समसे, क्योंकि ईसाई धर्म इसमें कहता है, समराइज करता है, दाई, दाई मीन्स ईश्वर, दाई विल बी डन, कहते ना वो हुई है वही जो राम रच रखा, means what is blotted cannot be blotted, है ना? तो thy will be done, यानी आप ही की इच्छा, यानी ईश्वर की इच्छा पूरी होगी। And in Islam, और इस्लाम धर्म में कहा जाता है इंशाल्लाह, यानी इंशाल्लाह, यानी अल्लाह की इच्छा पूरी होगी, और God willing अर्थात वही होगा जो ईश्वर चाहेगा। Refers, और ये चीज हमें बताता है क्या? टू अ ग्रेटर पावर, की कोई एक शक्ति है जो हमें गवर्न करती है। ऐसे पैसेज करें आप, लॉजिकल पैसेज है। देखिए, नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड, बट पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, लेकिन नेगेटिव वर्ड। ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे आपकी समझ में आएगा कि क्लोज टेस्ट वास्तव में है क्या। दो तीन चार चीजों का नाम, पहला पूरे पैसेज के कॉन्सेप्ट को समझे, वो हमें क्या करें? पहला चीज। दूसरा, आपको पास प्रॉपर नॉलेज हो ग्रामर का,
कि ग्रामर कैसे, जैसे मान लीजिए है मोस्ट ऑफ अस बिलीव दैट पीस ऑफ माइंड कम्स फ्रॉम एडिक्वेट. अब यहां ग्रामर तो नहीं, यहां तो वर्ड्स के बीच डिफरेंसेस आपके. मान लीजिए लिखा है ग्रामर में जैसे आई एम इंटरेस्टेड डैश, अब आपको पता हो ग्रामर में कि इंटरेस्टेड के साथ इन आता, ये प्रॉपर नॉलेज हो आपके पास ग्रामर का. और फिर शब्दों के बीच जो माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, यानी वो जाने आप कौन सा वर्ड पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है उनके. जैसा भी मैंने कुछ देर पहले आपको किया था, वो कौन सा वर्ड था, वो फ्राइटफुल और हॉरिफाइंग, ये जो माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं ये आप जानेंगे तो क्लोजनेस जो अभी आपको कुछ बच्चों को टफ लगता है वो कर सकते हैं. वैसे मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो 5 out of 5 कर लेते हैं, रेगुलरली कर लेते हैं, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. ठीक है, आप ही कोशिश करेगा, फिर से इस पैसेज को देखेगा और बेहतर करने की कोशिश करेगा, और एक दिन तो निश्चित ही आप बेस्ट भी कर लेगा. ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं, कर लेंगे आप. फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ब, आपको इसमें चारों शब्दों में सही शब्द चुनना है जिसकी स्पेलिंग सही हो आपकी. कौन सा शब्द है, ओ यू बी एल आई डबल टी ऑब्लिक या ओ यू बी एल आई डबल टी ई ऑब्लिक या ओ यू बी एल आई ई डबल टी ऑब्लिक या ओ यू बी एल बी डबल एल आई डबल टी ई. ये वर्ड आप अगर पढ़े होंगे तभी कर पाएंगे क्योंकि टफ वर्ड है. इसका आंसर है ये ओब्लिएट. ओब्लिएट मीन्स एक ऐसा डंजियन, यानी कोई ऐसा पेजन जिसका दरवाजा सामने से न खुलता हो, उसका दरवाजा टॉप से ऊपर से खुलता हो, वो ओब्लिएट होता है. मीन्स एक कोठरी, गोपनीय यानी गुप्त कोठरी जो होती है वो आपका ओब्लिएट होती है, यानी सी ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा. ओके, लेट्स गो अहेड. फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. नेक्स्ट 15th क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, कर लेंगे आप, आपको याद होगा. अगर याद ना हो तो रख लीजिए सी एच ए यू डबल एफ ई यू आर, ये था ना सी एच ए यू डबल एफ ई यू आर. पहले में सी एच ओ यू है, मैटर फिनिश. दूसरा सी एच ए यू, सही सी एच ए यू डबल एफ ई यू आर, सही है. सी एच ए यू डबल एफ ए आर कभी नहीं होगा. सी एच ए यू डबल एफ यू ई आर, देखिए ऐसे आपको कंफ्यूज किया, यू ई आर और ई यू आर, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये जो बी ऑप्शन है ये हो जाएगा. शोफर पढ़ते हैं, शोफर यानी जो निजी कार ड्राइवर आपका होता है, यानी आपकी कार का जो ड्राइवर है वो आपका शोफर कहलाता है. 16th क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज वाइस से हुम हैव यू गिवन योर बुक्स, करके दिखाई सही. अच्छा क्वेश्चन है वाइस से, हुम हैव यू गिवन योर बुक, क्लोज इस्तेमाल करेंगे कर लेंगे आप. क्या ये होगा हुम हैव बीन गिवन योर बुक्स या बाय हुम हैव यू योर बुक्स बीन गिवन या Who has been given your books by you? या who has been given to you your books? कौन सा सोच रहे हैं आप? A सोच रहे हैं? A whom have been given your books? सोचिएगा नहीं, क्योंकि अगर active voice में whom है तो passive में whom कभी नहीं आएगा, who हो जाए. तो ये option A जो है इसे हटा दो. और बी भी हट जाएगा, फिर से बाई होम है, मैंने कहा बाई होम, होम आएगा ही नहीं कभी इसका, ये भी बी भी फिनिश. अब दो में से एक चूज करना है, देखें आप चूज कर सकते हैं. हु हैज बीन गिवन योर बुक्स बाई यू या हु हैज बीन गिवन टू यू योर बुक्स, भाई आपको नहीं दी जा रही, आपके द्वारा वो किताबें किसको दी गई है, कौन सा हो जाएगा सारे ऑप्शंस में से बेस्ट कौन सा है, ये ऑप्शन, ये लेवल है आपका जो आपको आना चाहिए. आप चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस इज नरेशन का क्वेश्चन है आपका ये. ही टोल्ड द बॉयज दैट व्हेन ही एंटर्ड द रूम, उसने लड़कों से कहा व्हेन ही एंटर्ड द रूम, जब उसने कमरे में प्रवेश किया, दे वर नॉट रीडिंग देयर बुक्स, तो उस समय वो अपनी किताबें नहीं पढ़ रहे थे. देख ले सारे ऑप्शंस कौन सा सही है.
यानी इनडायरेक्ट में दिया गया है, आपको डायरेक्ट में परिवर्तित करना। ही सेड टू द बॉयज, उसने लड़कों से कहा, व्हेन डिड आई एंटर, होगा कभी, क्योंकि अगर व्हेन डिड आई होता तो आप पास्ट परफेक्ट में होते हैं और यहां पास्ट परफेक्ट नहीं है, ए फिनिश कर देते हैं। ही सेड बॉयज, लड़कों, व्हेन आई एंटर द रूम, जब मैंने कमरे में प्रवेश किया, यू वर नॉट रीडिंग योर बुक्स, आप अपनी किताबें नहीं पढ़ रहे थे, सही है या गलत सोचेगा। ही सेड टू द बॉयज, व्हेन आई एंटर द रूम, दे हैड नॉट बीन रीडिंग देयर बुक, किसी तो कभी नहीं होगा, नहीं ना, उल्टा तो चलेगा नहीं आप। ही सेड बॉयज, व्हेन आई एंटर्ड योर रूम, यू वर रीडिंग माई बुक्स, यू वर रीडिंग माई बुक्स, यहां देयर है तो माई कैसे हुआ, हो गया आंसर ना, पहला होगा नहीं, दूसरा हो जाएगा ना। ही सेड बॉयज, ये सही है, बॉयज हम वोकेटिव केस में है, जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे कि बॉयज क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, हो गया। He told the boys that हो गया। When he entered the room, यानी I को आप चेंज करेंगे he के अनुसार तो he हो जाएगा। When he entered the room, you were not, you means boys, तो they हो गया, they were not reading your books। अगर आपने सर टेंस क्यों नहीं बदला, मैंने कल या परसों कहा था, जब आपकी कोई क्लास when से, while से, as soon as से शुरू होती है और आफ्टर बीच में हो, बिफोर हो, तो ऐसे क्लॉजेस के टेंस में आप परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि टाइम क्लॉजेस जो होते हैं वो परिवर्तित नहीं होते। तो यहां पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये चीज आपको चूज करना होगा, ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन नंबर हो गया 18, बहुत इजी है। अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल, क्या आंसर, अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल, याद है आपको, वो लैक्स मॉरल वाला व्यक्ति रफियन होगा, वेगाबॉन्ड होगा, लिसेंशियस होगा, या मोरल होगा, मोरल तो कभी नहीं होगा, मोरल मींस होता है नैतिक बल, आपकी जो स्ट्रेंथ होती है आंतरिक को, उसे मोरल कहते हैं, हौसला जिसको कहते हैं, उसका मोरल बहुत हाई है, मीन्स उसका हौसला बहुत ऊंचा है, तो डी हटा देते हैं। रफियन कौन होते हैं, रफियन एक बदमाश होता है, जो आदमी क्राइम वगैरह में पकड़ा गया होता है, क्राइम में इन्वॉल्व होता है, वो आदमी रफियन होता है, तो लैक्स मॉरल का रिलेशन रफियन से नहीं। वेगाबॉन्ड कौन होता है, जिस व्यक्ति के पास घर ना हो या उसके पास कोई जॉब ना हो और वो इधर उधर प्लेस टू प्लेस इधर उधर क्या होता रहता हो, भटकता रहता हो, वांडर करता रहता हो, घूमता रहता हो, वह वेगाबॉन्ड हो, तो इसका कोई मॉरल से संबंध तो नहीं, हो गया ना आंसर, यानी अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल लिसेंशियस हो जाएगा, जो अनैतिक होता है, यानी जिसकी नैतिकता जो है मर चुकी होती है, वो व्यक्ति लिसेंशियस है, यानी अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल लिसेंशियस, मॉरल हौसले को कहते हैं, रफियन बदमाश जो क्राइम वगैरह में हो, और वेगाबॉन्ड जिसके पास घर ना हो, जॉब ना हो, इधर उधर दर दर भटकता हो, वह वेगाबॉन्ड होता है, आवारा जिसको आप कहते हैं, वो वेगाबॉन्ड होता है। सरोनिम आपके पास है चेस्टाइस, क्या चेस्टाइस का सरोनिम आपको ढूंढना है, 19th क्वेश्चन पे हम लोग हैं। चेस्टाइस का क्रिटिसाइज होगा, आलोचना करना, ह्यूमिलिएट होगा अपमान करना, इंसल्ट होगा अपमान करना, बेइज्जती करना, या अपब्रेड होगा डांटना, किसी को फटकारना, चेतावनी देना, क्या होगा। चेस्टाइज की मीनिंग क्या होती है, चेस्टाइज की मीनिंग डांटना होती है, कौन सा डांटना, जैसे आपके अंदर कोई कमी है मुझे लगता है, और मैं उस कमी को दूर करने के लिए आपको डांट रहा हूं, ये क्या किया तुमने, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी मैं चाह रहा हूं कि वो कमी जो आपने दिखाई वो आप दूर कर ले, मैं आपको चेस्टाइज कर लू, यानी डांट रहा हूं मैं आप, तो इसमें डांटने की मीनिंग एक ही है अपडेट। क्रिटिसाइज नहीं होता, क्रिटिसाइज मीन्स होता है किसी की आलोचना करना, जब आपको बिटरली क्रिटिसाइज करते हैं तो वो क्रिटिसाइज है, आलोचना करना। ह्यूमिलिएट और इंसल्ट होगा नहीं, अपमान करना होता है, तो चेस्टाइज का अपडेट हो जाए। वैसे इस वर्ड को ध्यान देखेंगे तो आपके एक वर्ड ध्यान में आएगा, CHASTE, ये था ना, चेस्ट प्लस ISE जोड़ करके वर्ब बना दिया गया, जब आप किसी की कमियों को, यानी उसके अंदर जो गंदगी है,
दूर करने के लिए आप उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, आप उसे चेस्टाइज करते हैं, तो चेस्टाइज का सिनोनिम आपका अपब्रेड हो जाएगा। एंड पनी में आपके पास इंड्योरिंग, इंड्योरिंग का क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ट्रांजिटरी होगा, इंस्टेंट होगा या अबाइडिंग। अबाइडिंग मीन्स होता है वो व्यक्ति जो नियम कानून का पालन करता हो, यानी पालन करने वाला। इंस्टेंट मीन्स होता है तुरंत, क्षण भर में। कॉन्स्टेंट मीन्स होता है निरंतर, लगातार। और ट्रांजिटरी मीन्स होता है क्षणिक, जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता हो वो ट्रांजिटरी होता है। तो आप जानते हैं इंड्योरिंग, इंड्योर से बना। इंड्योरिंग मीन्स अस्थाई होता है, जो लंबे समय तक चलता है ना, तो वो सेल्स वगैरह होती है बहुत, तो इंड्योरिंग अस्थाई, जो लंबे समय तक चलता है, जो लास्ट लॉन्ग करता है वो इंड्योरिंग होता है। जो लंबे समय तक चले वो इंड्योरिंग है, जो ट्रांजिटरी है, जो क्षण भर में ही खत्म हो जाए वो क्या है, ट्रांजिटरी है। बुझेगा? तो कॉन्स्टेंट निरंतर, इंस्टेंट क्षण भर में, और अबाइडिंग जो कानून वगैरह का पालन करने वाला होता है वो अबाइडिंग। Idiom है आपका 20th question, as the crow flies, क्या? As the crow flies, in a criss-cross way, आड़े तिरछे होते हुए, in a straight way, सीधे रास्ते से, in a circular way, circular होते हुए, या in a monotonous way, नीरस तरीके से, उबाऊ तरीके से। तो एज द क्रो फ्लाइज मीन्स होता है सीधे रास्ते से, बिल्कुल सीधे वे में कर लेंगे आप, एज द क्रो फ्लाइज इन अ स्ट्रेट वे हो जाएगा। ऐसे idioms तैयार करें आप, ये तो मैं एक एक दो दो आपको तीन तीन दे रहा हूं, आप रेगुलर तैयार करें, तब जब मैं यहां दूंगा तो आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए। जैसे अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो याद कर लें, हाँ एज द क्रो फ्लाइज मीन्स क्या होता है, मीन्स इन अ स्ट्रेट वे होता है। ओके, सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया आपका, जो अलग अलग पोर्शन आपको मैच कर रहे हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट यानी रश्मि डिड नॉट नो व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, रश्मि को नहीं पता था उसे क्या करना है। द एनवेलप फेल्ट हैप्पी, यहां गलत लिखा है, यहां होगा द एनवेलप फेल्ट हैवी बना लीजिए, एच ई ए VY जोड़ दें, यानी ये जो पोर्शन आपका है पे, इसे हटा देते हैं और यहां लिख लेते हैं heavy, ठीक है heavy। तो the envelope felt heavy, यानी जो envelope था वो बहुत भारी उसे महसूस हो रहा था। She had found an envelope, कुछ समझ में आया, यानी ये पोर्शन जो है ये हर हाल में इसके पहले है, क्योंकि भारी तो तभी प्रतीत होगा ना जब वो पहले पाएगी उस एनवेलप को। तो शी हैड फाउंड एन एनवेलप नियर द बस स्टैंड, देयर वर पेपर्स इनसाइड आर मनी पर है, समझ रहे हैं? ये जो पोर्शन है ये हर हाल में इस पोर्शन के बाद आया, क्योंकि वो भारी प्रतीत हो रहा, क्यों भारी प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उसमें क्या थे, कुछ पेपर्स, कुछ पैसे वगैरह। She kept wondering, वो सोचती रही what she was supposed to do, कि उसे क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता उसके लिए सही होगा। Then she slowly started, आप समझ रहे होंगे S जब भी आएगा लास्ट में आएगा, प्रश्न सबसे पहले क्या आएगा, आप कनेक्शन करिए ना एक दूसरे को, जो मैं भी कह रहा था, सबसे पहले उसे बस स्टेशन पे वो envelope मिला, जब मिला तो envelope उसे भारी लगा, क्यों भारी लगा, क्योंकि उसमें कुछ पैसे वगैरह, पेपर्स वगैरह थे। तो सबसे पहले जो एनवेलप मिला वो क्या होगा, क्यू आएगा, क्यू के बाद क्या आएगा, पी आएगा, आएगा पी के बाद क्या आएगा, आर आएगा, क्यू पी आर, और लास्ट में आपका एस आएगा, उसके बाद वो थाने पे जाती, पुलिस स्टेशन जाती है। तो देखें एस है, क्यू है, पी है, एस है, हो गया आंसर आपका ना, कहीं कुछ नहीं करना आपको, जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी, यानी क्यू पी आर एस हो जाएगा। इसे कनेक्ट करना कहते हैं, जो अलग अलग इवेंट्स हैं उन्हें कनेक्ट करें। ये कब कर पाएंगे आप, यदि पहले अच्छे से पढ़ लें,
सोचे कौन सा कार्य पहले हुआ, कौन सा कार्य उसके बाद हुआ, तो आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी थर्ड प्रश्न आ गया आपके पास, सरोनिम ये भी है, वेनल। वेनल का सरोनिम क्या होगा? लेजिबल होगा या करप्ट होगा या फॉरगिवेबल होगा या कॉम्प्रिहेंसिबल होगा? जो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, लोग सोच करके देते हैं कि कहां पे आपको फंसाया जा सकता है, कौन सा सही लग रहा है आपको। इसके लिए क्या जरूरी होगा? इसके लिए जरूरी होगा कि पहले हम जाने कि विनल मीन्स होता क्या है। विनल मीन्स होता है घूसखोर, करप्ट। जो आदमी बाइबरी वगैरह करता है, लेता है, वो आदमी क्या करता है? विनल होता है। इनमें से कौन सा वर्ड है जो घूसखोर से संबंधित है? एक ही है ना, करप्ट। लेसिबल क्या होता है? जो पठनीय होता है, दैट कैन बी रेड इजिली, जो आप आसानी से पढ़ सकते हो वो लेजिबल होता है। आप याद होगा इलेजिबल वर्ड, दैट विच कैन नॉट बी रेड इजिली, जिसे आप आसानी से पढ़ नहीं सकते हो और अस्पष्ट होता है, वो इलेजिबल है, उसी लेजिबल को आप समझते हैं। फॉरगिवेबल क्या होता है? माफ करने योग्य। यहां फॉरगिवेबल आपको जान बूझ के दिया, क्योंकि जो विनल है ना, इसी में अगर वी एन आई ए एल हो जाएगा तो विनियल हो जाता है। विनियल में क्षम्य होता है, तो उसका सिनोनिम फॉरगिवेबल हो जाता है। नहीं, विनियल नहीं, ये वेनल है, करप्ट को कहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिबल समझते होंगे, जो समझने में जो चीज आसान हो, कॉम्प्रिहेंसिबल हो, वो समझने योग्य हो जाता है, दैट कैन बी अंडरस्टूड, कॉम्प्रिहेंसिबल होता है। ओके, यानी विनियल का जो सिनोनिम होगा वो करप्ट हो जाएगा। एंटोनिम है आपके पास एडल्टरेशन। 24th क्वेश्चन पे हम लोग हैं, 24वां प्रश्न। तो एडल्टरेशन मींस क्या होता है, याद है आपको? जल्दी से बताएं, एडल्टरेशन का एंटोनिम क्या होगा? इसका रेजुविनेशन, प्योरिफिकेशन, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन तो समझते होंगे आप, जो बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छे समझते होंगे। कॉन्स्टर्नेशन, ये सारे वर्ड हम बच्चे जानते हो। कॉन्स्टर्नेशन डर, आतंक को कहते हैं, यानी कोई ऐसा फियर, कोई ऐसा भय जो होता है वो कॉन्स्टर्नेशन होता है। टेरर के लिए, टेररिज्म कह लीजिए, ये आपका कॉन्स्टर्नेशन होता है, भय, डर, आतंक। प्योरिफिकेशन शुद्धता को कहते हैं। रिजुविनेशन क्या होता है? जब आपका पूरा कायाकल्प हो जाए, यानी पूरा रिजुविनेटेड हो गया, आपके अंदर एक नई शक्ति का संचार हो गया, एक मतलब युवा शक्ति आपके अंदर आ गई, दिस इज रेजोनेशन। कायाकल्प, पूरी तरह से अपने आप को बदल देने की क्रिया, बहुत अधिक ताकतवर फिर से महसूस करने की क्रिया, ये रेजोनेट से बना। रेजोनेट मीन्स किसी को युवा बना देना, शक्ति से भर देना। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? एक स्टैंडर्ड या एक नॉर्मल लेवल पे ले आने की क्रिया को नॉर्मलाइजेशन कहता है। जो एग्जाम्स वगैरह में आप समझते हो अक्सर, जैसे पेपर्स को नॉर्मलाइजेशन लेवल पे चेक किया जाता है, समझ रहे ना? तो एडल्टरेशन क्या होता है? एडल्टरेशन मीन्स होता है मिलावट, है? तो अगर एडल्टरेशन मीन्स मिलावट या अशुद्धता होता है, तो क्या हो जाएगा? प्योरिफिकेशन मीन्स शुद्धता हो जाएगी, यानी एडल्टरेशन का एंटोनिम प्योरिफिकेशन। लेकिन सारे वर्ड तैयार करिएगा, रेजुविनेशन भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, और कॉन्स्टर्नेशन भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टर्नेशन मीन्स टेरर, हॉरर, भय, आतंक को कहते हैं। और लास्ट है आपका कॉमन एरर दिया मैंने। माय बॉस वार्न्ड मी, मेरे बॉस ने मुझे चेतावनी दी, दैट इफ आई कंटिन्यूड कमिटिंग मिस्टेक्स, कि यदि मैंने गलतियां करना जारी रखा तो ही वुड फायर मी। फायर समझते होंगे, बर्खास्त कर देना भी होता है, तो ही वुड फायर मी, वो मुझे क्या कर देंगे? बर्खास्त कर देंगे। माय बॉस वार्न्ड मी, गलत है क्या कुछ? दैट इफ आई कंटिन्यूड कमिटिंग मिस्टेक्स, दैट इफ आई कंटिन्यूड कमिटिंग मिस्टेक्स। अब मैं जानता हूं आप इस कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे यहां पे करेक्शन ढूंढ रहे होंगे कि दैट और इफ दोनों एक साथ नहीं आ सकता है। दैट और इफ, इफ या दैट और डब्ल्यू एच कब एक साथ नहीं आ सकता है?
जब इसके पहले आपकी जो वर्ब है वो आस्क्ड हो या इंक्वायर्ड हो या वांटेड टू नो हो, अर्थात सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, ये साधारण असर्टिव है। मेरे बॉस ने मुझे चेतावनी दी कि यदि मैं निरंतर गलतियां करता रहा तो ही वुड फायर मी, वो मुझे क्या कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे वो। तो माय बॉस वार्ड मी, कोई एरर नहीं, दैट इफ आई कंटिन्यूड कमिटिंग, कंटिन्यू के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आती है, देखिए कमिटिंग लिखा है ना, यानी यहां भी कोई एरर नहीं, दैट इफ आई कंटिन्यूड कमिटिंग मिस्टेक्स, सही भी है, अगर यहां पे मिस्टेक होता तो एरर होती, कमिटिंग मिस्टेक्स तो ही वुड, ये पास्ट है आपका ना, वार्ड में तो यहां भी विल का पास्ट है, ही वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ही वुड फायर मी, समझ रहे हैं ना, यानी यहां नो एरर है, इस वाक्य में कोई एरर नहीं। छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से आप बच्चों के लिए, एक्चुअली जब मैं इलाहाबाद से निकल रहा था, चल रहा था, मैंने बच्चों से कहा था कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स दे दूंगा जो मैं वहां पे लास्ट में उनको पूरा नहीं कराया, तो ये एक प्रयास है, वो एक बच्चों के लिए जो बच्चे चाहते हो, जिन्हें लगता होगा नहीं सर का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बेहतर होता है, वो बच्चे रेगुलरली इसे देखते रहें, समझते रहें, जहां पे दिक्कतें हो आपकी वो मेरे से आप शेयर भी करते रहें, और कोई भी आपकी दिक्कत हो आप मैसेंजर पे मेरे से आप शेयर कर सकते हैं, यहां भी आप कमेंट्स के थ्रू आप बता सकते हैं कि ये पोर्शन आपके लिए टफ लगा, ये इजी लगा। और एक और चीज कहनी थी, कल मैंने देखा बच्चों ने बिल्कुल भी लाइक्स नहीं किए थे, ठीक है, तो आप लाइक करते रहिए बाबू, उससे क्या होता है एक इंस्पिरेशन मिलता, मोटिवेशन मिलता है कि आप इस चीज को पसंद कर रहे हैं। अगर टीचर को ये लगेगा कि नहीं ये चीजें बच्चों की श्रेणी में नहीं आता है, उनकी प्रायोरिटी में नहीं आता है, तो टीचर कहीं कहीं डिस्करेज होता है, तो आप डिस्करेज करने के बजाय आप एनकरेज करें, आप उससे क्या होगा मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगा, कल से मैं आज बेहतर हूं, आज से भी कल मैं बेहतर हूंगा, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब मैं अगली सुबह उठूं तो मेरे लिए मुझे पता चले कि मैं कल से आज क्या हूं, बेहतर। तो ईश्वर ऐसा ही करें, मैं आपके लिए और बेहतर से बेस्ट की तरफ बढ़ता रहूं और आप भी जल्दी से सफल हो जाएं, ताकि आप भी और बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। थैंक यू, गुड नाइट।